हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना मेन चैनल। जैसे कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं, ये वीडियो है हैलोवीन फॉर द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स के कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। तो यार, फन फैक्ट्स बताने से पहले मैं बता दूं कि इस मूवी के बारे में फन फैक्ट्स बहुत ही कम है, इसलिए वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और आपको मजा आने वाला। तो मूवी का पूरा नाम है हैलोवीन फॉर द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स, और टाइटल से साफ पता चलता है कि इस मूवी के अंदर माइकल मायर्स है। मूवी रिलीज हुई थी 21 अक्टूबर 1988 को, हैलोवीन 1 से एग्जैक्टली 10 साल बाद। मूवी को डायरेक्ट कर रहा था ड्वाइट एच लिटल ने, प्रोड्यूस कर रहा था ट्रैंकस इंटरनेशनल ने, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था गैलेक्सी इंटरनेशनल रिलीजिंग और 20th सेंचुरी फॉक्स ने। मूवी का रनिंग टाइम 88 मिनट यानी कि 90 मिनट से 2 मिनट कम, यानी कि डेढ़ घंटे से 2 मिनट कम। मूवी का बजट था $5 मिलियन और मूवी ने कमाई करी थी $17.8 मिलियन की। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जॉन और डेबरा हिल चाहते थे कि हैलोवीन एक एंथोलॉजी सीरीज बने, इसीलिए हैलोवीन 3 के अंदर कोई माइकल मायर्स नहीं था और इस मूवी के अंदर भी कोई माइकल मायर्स नहीं होने वाला था। एक्चुअली एक घोस्ट स्टोरी यानी एक भूत की कहानी होने वाली थी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैलोवीन 3 सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि उसका प्लॉट बहुत ही शिटी और सिली और बकवास और टट्टी था। मतलब जो भी बुरे वर्ड्स तुम जानते हो, वैसा वो प्लॉट था और सेंसलेस प्लॉट था, बुलशिटनेस भरी हुई थी उस प्लॉट के अंदर। इस वजह से लोगों को वो मूवी भी पसंद नहीं आए और हैलोवीन फैंस ने माइकल मायर्स की मांग करना शुरू कर दिया। इसलिए जो प्रोड्यूसर थे मुस्तफा अक्कड़, वो चाहते थे कि इस मूवी के अंदर माइकल मायर्स आए, लेकिन जब जॉन कारपेंटर को इस मूवी के बारे में पहले पता चला तो डेबरा हिल ने डिसाइड कर रखी वो इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगी, और जॉन कारपेंटर मिल गए डेनिस एचिसन के साथ और उन्होंने एक स्क्रिप्ट भी लिखी जिसके अंदर माइकल मायर्स नहीं था। लेकिन मुस्तफा अक्कड़ को वो बिल्कुल भी स्क्रिप्ट पसंद नहीं है और वो चाहते थे कि माइकल मायर्स आए ही आए, क्योंकि उन्हें पता था कि माइकल मायर्स से उनको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। जबकि वो अगर एक एंथोलॉजी सीरीज बनाते अच्छे तरीके से, अच्छी स्टोरी के साथ, तो वो भी लोगों को पसंद आती। और तब से लेके अब तक हैलोवीन नाम की हर मूवी के अंदर माइकल मायर्स हमें दिख ही रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि जॉन कारपेंटर और डेबरा हिल ने अपने जो शेयर्स थे हैलोवीन टाइटल के, यानी कि राइट्स थे, कॉपीराइट, वो बेच दिए मुस्तफा अक्कड़ को ताकि वो जो दिल आए वो कर सकें, और उन लोगों ने अपना हमेशा हमेशा के लिए नाता छुड़ा लिया माइकल मायर्स और हैलोवीन फ्रेंचाइज से। और इस वजह से जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट उन लोगों ने लिखी थी वो भी गई पानी में। मूवी की जो फिल्मिंग है वो ये सॉल्ट लेक सिटी यूटा में, जबकि एक्चुअली जो पुरानी फिल्म्स यानी कि हैलोवीन 1 और हैलोवीन 2 है वो पैसाडेना में शूट हुई थी। लेकिन पैसाडेना में हैलोवीन 4 शूट इसलिए नहीं करी गई क्योंकि मूवी का बजट कम था और पैसाडेना के जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने एक सस्ता ऑप्शन चुना सॉल्ट लेक सिटी यूटा में। और मूवी की एक डी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जेमी, एक्चुअली उसका स्क्रिप्ट में पहले नाम ब्रिटनी था और उसका निक नेम था ब्रिटी, लेकिन बाद में ये नाम चेंज करके जेमी रख दिया गया, जो कि उसी की माँ का कैरेक्टर निभाने वाली एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस का भी फर्स्ट नेम है, यानी कि जेमी। और इस मूवी के जो सबसे बेहतरीन फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अगर आप कंपेयर करें हैलोवीन 1 वाले मास्क को माइकल मायर्स के और हैलोवीन 4 वाले मास्क को, तो आप देखेंगे कि हैलोवीन 4 वाला मास्क बहुत ही कम डिटेल्ड है, उसमें उसकी आंखें बिल्कुल दिखती ही नहीं है, एकदम ऐसा लगता है ऐसे पेंट रखा हो काला उनके आईलेट्स पे, और उसके बाल एकदम स्लिक्ड बैक हैं, पीछे की तरफ हुए पड़े हैं, और मास्क में फ़र्क आपको एकदम दिख जाता है। और सबसे बेहतरीन फैक्ट ये है कि जो मूवी का पोस्टर है उस पे जो मास्क है वो एक्चुअली हैलोवीन 1 वाला मास्क है। अगर आप कंपेयर करें हैलोवीन 4 में यूज़ हुए मास्क को और जो पोस्टर पे मास्क है उसको, तो आप जान जाएंगे कि ये दोनों मास्क बिल्कुल ही अलग है, और एक्चुअली इसके अंदर वो मास्क फीचर किया गया है जो कि हैलोवीन 1 में यूज़ हुआ था। और एक बहुत ही, इसे हम ब्लंडर कह सकते हैं, एक मिस्टेक कह सकते हैं, या फिर एक जानबूझ के करी हुई गलती जिसको ऐसी छोड़ दिया गया, वो ये है कि मूवी के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर माइकल मायर्स एक ऐसा मास्क पहना हुआ होता है जिसके पिंक कलर के हेयर होते हैं, और एक्चुअली पहले डायरेक्टर ने ओरिजिनल जो मास्क था हैलोवीन का उसी से शूटिंग करी थी, उसी में शूटिंग करी थी, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आया तो उन्होंने दूसरा मास्क चूज करा, लेकिन जो उन्होंने पहले मास्क में शूटिंग करी थी उसका कुछ पार्ट रह गया जो कि वो पार्ट है जिसके अंदर माइकल मायर्स के पिंक और या फिर कह सकते हैं लाइट ब्लॉन्ड हेयर होते हैं। तो ये एक मिस्टेक है और आप मूवी जब देखेंगे तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। वैसे उस सीक्वेंस में मोस्टली माइकल मायर्स की शक्ल छिपाई हुई है, लेकिन फिर भी हमें दिख ही जाता है कि उसने एक ऐसा मास्क पहना है जिसके बाल पिंक कलर के हैं।
और एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट ये है कि डैनियल हैरिस जिन्होंने की रोल प्ले कराया है हैलोवीन 4 में जेमी लॉयड का, उन्होंने ही रोल प्ले कराया है लॉरी स्ट्रोड की एक दोस्त का हैलोवीन रीमेक के अंदर। ये दोनों एक्ट्रेसेस सेम है और इन्होंने अपने ही माँ के दोस्त का कैरेक्टर प्ले कराया रीमेक हैलोवीन के अंदर। तो बस यही थी वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत ही छोटी है और इतने ही इसके बारे में फन फैक्ट्स थे, तो सब्सक्राइब करो, बन जाओ हमारी ऑनलाइन फैमिली ऑफ सिनेफाइल्स का हिस्सा। फॉलो करो मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर।